हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं आपके लिए एनसीओ ओलंपियाड वर्कबुक क्लास फिफ्थ से कंप्यूटर्स की वर्कशीट लेकर आ रही थी। अब तक हमने 10 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कंप्यूटर ओलंपियाड वर्कबुक में कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्लास फिफ्थ ओलंपियाड वर्कबुक में हर सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो। तो इसलिए हम लास्ट लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, जिसे लॉजिकल रीजनिंग को हम दो भाग में देखेंगे, जिसमें करीब मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें से 17 क्वेश्चन इस पार्ट में और नेक्स्ट 18 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसे मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन सॉलिड। ये सॉलिड्स दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कितने क्यूब्स हैं। ऑप्शन ए 27, बी 24, सी 25 एंड डी 26। इसे हमने सॉल्व किया है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो रहे हैं 5 × 4 प्लस 3 प्लस 2 × 2 इजकल टू 24। इधर देख लेते हैं, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 4 हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक, प्लस 3, 1 2 3 × 2 1 and 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 5 × 4 प्लस 3 प्लस 2 × 2, तो टोटल हो गए 5 4 20 प्लस 3 प्लस 2 2 4, तो 20 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब कितने हो गए, 27। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सर्कल्स विल बी देयर इन पैटर्न 10। पैटर्न 10 में कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार सर्कल बने हुए, एक सर्कल, फिर टू, पैटर्न 1 में 1 सर्कल है, पैटर्न 2 में 2 सर्कल एंड पैटर्न 3 में 3 सर्कल है। तो हमें बताना है पैटर्न 4 में कितने सर्कल्स होंगे। ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 27 एंड डी 31। सो इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं, नंबर ऑफ सर्कल इस पैटर्न 1 इजकल टू 4 है, तो नंबर ऑफ सर्कल इस पैटर्न 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 7। नंबर ऑफ सर्कल इस पैटर्न 3 इजकल टू 10, ठीक है। अब इसको पैटर्न फॉलो किस प्रकार हो रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। पहला पैटर्न जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, 0 × 3 + 4, 1 × 3 + 4 एंड 2 × 3 + 4, इस प्रकार 4 7 10, यानी हर में 3 3 डिजिट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो नंबर्स ऑफ सर्कल इस पैटर्न 10, तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 + 4 इजकल टू 31, प्लस 4 हो रहा है, 3 पैटर्न्स प्लस 4, फिर 1 × 3 हो गया प्लस 4 हो रहे हैं, फिर 2 × 3 प्लस 4 हो रहे हैं, फिर 3 × 3 + 4, फिर 4 × 4 4 × 3 + 4, फिर 5 × 3 + 4। तो इस प्रकार ये आगे के नंबर हमारे सिक्वेंसली बढ़ते जा रहे हैं और ये मल्टीपल 3 ही हो रहे हैं और प्लस 4 होता जा रहा है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ सर्कल जो है हमारा क्या हो रहा है, डेट इज़ पैटर्न, तो 9 × 3 + 4 = 31। तो नंबर ऑफ सर्कल इस पैटर्न 10 में जो हमारा 31 हमारा क्यूब्स रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 31। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंगस्ट कैट पेट्स एंड डॉग। कॉट कैट पेट एंड डॉग्स के रिलेशनशिप को हमें वेन डायग्राम से बताना है, तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं।
कैट, पेट्स जो है हमारे इस 20 में हमने पेट लिया, डॉग एंड कैट दोनों पेट होते हैं इसीलिए डॉग एंड कैट। तो इस प्रकार के वेन डायग्राम के द्वारा इसको हम शो कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारा सी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। क्वालिफिकेशन ऑप्शन ए टैक्शंस, बी नोटिस, सी टेलकम एंड डी फिक्शन। ये जो वर्ड दिया गया इनमें से कौन से वर्ड, इस वर्ड से क्वालिफिकेशन में से कौन से वर्ड ये बन सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फिक्शन। देखेंगे हम, देखिए ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड फिक्शन आर प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड। सो फिक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, डी। ये फिक्शन ये हमारा यहाँ पर मिल जाता है, जबकि नोटिस, टैक्शन, टेलकम ये वर्ड इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 9th एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। इस प्रकार ये अरेंजमेंट किया गया है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हमें अरेंज करना है। मिडल ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एलिमेंट्स, तो इसको हम अरेंज करते हैं और देखेंगे। तो ये हमारा जो है 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज इक्वल टू कौन सा वर्ड हो जाता है हमारा, ये हमारा ये हो जाता है। एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इज इक्वल टू 2, सो 1 इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सी। तो 1 क्या हो जा रहा है हमारा, ये एग्जैक्टली मिडल में आ रहा है, एंड 2 मिडल में 1 एंड 2 दोनों आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ एप्पल इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सॉप, सॉप इज कॉल्ड हनी एंड हनी इज कॉल्ड मिल्क, देन व्हाट इज द यूज ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। अब हमें देखना है कि वॉशिंग क्लॉथ्स यूज़ करने समय हम क्या यूज़ करेंगे। जनरल हम क्या करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ यूज़ करने के लिए हम सोप यूज़ करते हैं, ठीक। अब एप्पल को बटर क्या कहा जा रहा है, बटर कॉल्ड सॉप और सॉप कॉल्ड हनी, तो सॉप को क्या कहा जा रहा है, हनी, ठीक है। तो सॉप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ बट सॉप इज कॉल्ड हनी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। ये मिरर इमेज दिया गया है, कौन सा मिरर इमेज इसमें से आएगा। सो मिरर इमेज इज इक्वल टू एंड सी एंड डी। तो मिरर इमेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मिरर इमेज में हमारे इमेज के डायग्राम जो होते हैं लेफ्ट के राइट एंड राइट के लेफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये पोर्शन हमारा लेफ्ट में ब्लैक पोर्शन आ रहा है तो ये राइट पोर्शन में चला जाएगा। तो दिस इज मिरर इमेज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सर्टेन रूल फॉलो आइदर रो वाइज ऑफ कॉलम वाइज। इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे रूल फॉलो करते हुए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, चाहे वो रूल रो वाइज भी हो सकता है एंड कॉलम वाइज भी हो सकता है। ऑप्शन ए 14, बी 8, 6, सी 6 एंड डी 9। तो द पैटर्न इज 4+5 इक्वल टू 9, तो डेट इज़ द पोजिशन ऑफ 1 इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड 7+8 इक्वल टू 15, डेट इज इक्वल टू 0। सो 6+12 इक्वल टू 18, डेट इज आर। इसमें हम देख लेंगे, देखिए 5+4 इक्वल टू क्या हो रहा है, आई। 5+4 इक्वल टू 9 और इंग्लिश अल्फाबेटिकली में आई इक्वल टू क्या हो जाता है, पोजिशन ऑफ आई इन द अल्फाबेट। सो 9 पोजिशन पे आई अल्फाबेट्स होता है
एंड देन हमारा देखेंगे पोजीशन नेक्स्ट जो है 7 + 8 = हमारा हो गया 15। तो 15 डेट इज़ ओ अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या हो रहा है 18 एंड 12। तो 6 + 12 = 18, आर इजकल टू हमारा 18 इजकल टू आर हो रहा है, तो 6 + 12 = 18, यानी 18 - 6 हम करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में कौन पोजीशन आ रहा है, तो 12 हमारा ये हो जाएगा 6 + 12 = 18, यहाँ पर नंबर आ जाएंगे 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 9, गौरव वॉक 20 meters टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 meters, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 meters, फाइनली द मूव्स 20 meters आफ्टर रनिंग आफ्टर टर्निंग ऑफ द लेफ्ट, हाउ फार द स्टार्टिंग पोजिशन। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार डायग्राम के द्वारा समझेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट चलना स्टार्ट करता है। पहला क्या है, गौरव 20 meters जो है स्ट्रेट, अब इसको समझिए, गौरव 20 meters स्ट्रेट जाता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट 40 meters, तो ये 40 meters लेफ्ट टर्न हो जाता है, एंड ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड 20 meters, देन टर्न्स लेफ्ट एंड फाइनली मूव 20 meters। तो स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितने सेंटीमीटर की दूर पर है, तो ई एंड ए यहाँ तक 20 meters तक ये आ चुका है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमारे ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, सी ओ बी इजकल टू डी एंड ए, तो 40 centimeters, एंड डी और ई इजकल टू हमारा क्या हो रहा है 20 centimeters, तो हमारा हो गया 40 - 20 इजकल टू 20 centimeters। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है 20 meters कवर करना है, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर कवर करना है, तो यहाँ पर हम मीटर में लिखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 20 meters, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 20 meters। क्वेश्चन नंबर 10, अरुण इज शॉर्टर देन करण बट नॉट एज शॉर्ट एज काव्या, काव्या एंड विवान आर द सेम हाइट, करण इज शॉर्टर देन सुनील, हु इज द टॉलेस्ट इन ऑल। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे अरुण इज शॉर्टर देन करण, द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, अरुण इज क्या है, अरुण इज शॉर्टर देन करण, अरुण करण से शॉर्टर है तो करण ग्रेटर देन हो गया, देन बट नॉट एज शॉर्ट एज काव्या, तो काव्या से शॉर्टर नहीं है तो काव्या से आगे चला गया, ग्रेटर देन अरुण ग्रेटर देन काव्या, एंड विहान आर द सेम हाइट, तो विहान सेम हाइट के हो गए इसके, ठीक है, ये दोनों सेम हाइट के हैं, देन हो गया करण एंड करण इज शॉर्टर देन सुनील, करण इज शॉर्टर देन सुनील, तो सुनील इज लॉन्गर, सो सुनील इज द टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हो गया सुनील, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुनील। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो ये ट्राइंगल्स को हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, और इस प्रकार हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद फिर हो रहा है ए बी बी सी सी डी, फिर हमारा बन रहा है ई एफ एफ जी सॉरी एफ आई एच जे और जे एच, तो इस प्रकार बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो हमने नाम के अनुसार लिख दिए हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हमारे हो रहे हैं 24। सो करेक्ट आंसर इज 24। सो करेक्ट आंसर इज 24। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री इसमें कौन से फिगर्स हो रहे हैं, ओनली फिगर इज ऑप्शन ए हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री,
ओके, ओनली फिगर इन ऑप्शन ए हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री। देन हमारा ये फिगर्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13। देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। एस्टैब्लिश आर सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 बाई सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच रिप्लेस द फिगर इज 1, 2, 3। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि कौन से फिगर में रिलेशनशिप, थर्ड एंड फोर्थ में कौन से रिलेशनशिप के फिगर बन रहे हैं। तो इस फिगर में इस प्रकार का हो रहा है, तो इस फिगर्स में हमारा पिक्चर्स बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फिगर 1 एंड 2 आर द आउटर एलिमेंट्स गेट रिड्यूस द साइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ, ये वाटर इमेज बन रहे हैं। हम जानते हैं कि वाटर इमेज में इमेज जो है टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाते हैं। सो बॉटम वाले पार्ट जो है ये अपर वाले पार्ट बॉटम में जाएंगे और बॉटम वाले पार्ट अपर में जाएंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये फिगर्स जो हैं इसमें हमारा ये वाला बॉटम वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया जो है यहाँ ऊपर जा रहा है इस फिगर में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि बॉटम और अप एंड बॉटम ऊपर नीचे फिगर चेंज हो जाते हैं वाटर इमेज में, जबकि मिरर इमेज में इमेज जो है लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट चेंज होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभय इज फेसिंग द चर्च इन सियली आफ्टर ही मेड अ ट्रूथ। ही वॉज फेसिंग एयरपोर्ट, वाट वॉज द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ हिज टर्न। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन है 225 क्लॉकवाइज, बी 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सी 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड डी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम देख रहे हैं इस प्रकार, अब है यहाँ बैठा हुआ है, इधर से मूव करके ये एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से मूव होगा तो एयरपोर्ट डायरेक्शन इसका यहाँ से 225 डिग्री यहाँ से जाएगा। तो हेंस अवे टर्न 225 एंटी क्लॉकवाइज वह मूव करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। डिस्क्लेमर, इस वर्ड से कौन सा वर्ड यहाँ पर बन रहा है। तो लेटर्स यू ऑफ द वर्ड मसल्स, हमारा ये इज नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन वर्ड, सो मसल कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसमें यू वर्ड जो है यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसीलिए इस वर्ड से ऑप्शन सी वर्ड नहीं बन पा रहा है, बाकी ये तीनों वर्ड्स बन पा रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 17। गौरव, सेनू एंड विजय आर गुड इन साइंस। विजय एंड सेनू आर गुड इन हिंदी एंड इंग्लिश, गौरव एंड सेनू आर गुड इन सोशल स्टडी। हु अमंग द फॉलोइंग इज गुड इन ऑल फोर सब्जेक्ट्स। गौरव, ऑप्शन बी सेनू, सी विजय एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक टेबल बना के पहले हम ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहला बोला जा रहा है गौरव, सेनू एंड विजय आर गुड इन साइंस। अब ये टेबल हमने बनाया है तो ये तीनों बच्चे जो है गौरव, सेनू एंड विजय साइंस में अच्छे हैं, तो इन तीनों में हमने टिक लगा दिया। सेकेंड कहा जा रहा है विजय एंड सेनू आर गुड इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो विजय एंड सेनू हिंदी एंड इंग्लिश में अच्छे हैं, तो इन दोनों जगह टिक लगाया। फिर है गौरव एंड सेनू आर गुड इन सोशल स्टडीज, गौरव एंड सेनू आर गुड इन सोशल स्टडीज। ओके, तो हु अमंग अस फॉलोइंग इज गुड इन ऑल फोर सब्जेक्ट। फोर सब्जेक्ट में सभी में कौन सबसे ज़्यादा गुड है, तो क्या इसमें टिक आ रहा है फोर सब्जेक्ट्स में, साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इन चारों में
सबसे अच्छा है सेनू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेनू। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 18 to 35 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।